नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। इस वक्त देश की सबसे हॉट सीट भोपाल भगवामय नजर आ रहा है। इसके पीछे वजह भी है कि एक तरफ बीजेपी की ओर से जहां साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चुनावी मुकाबले में है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के पक्ष में प्रचार करने के लिए बड़ी संख्या में साधु संतों ने भोपाल में डेरा डाला, रोड शो किया, कंप्यूटर बाबा ने सुर्खियां बटोरी। लेकिन एक और शख्सियत ऐसी है जो पिछले एक महीने से दिग्विजय सिंह के लिए लगातार प्रचार कर रही है, उनके साथ सभाओं में जा रही है, और वो हस्ती है आचार्य देव मुरारी बापू जी, जो कि आज हमारे साथ इस स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। सबसे पहले यही सवाल मन में उठता है कि इन दिनों साधु संत लगातार राजनेताओं के लिए प्रचार कर रहे हैं, ये क्यों जरूरी है? क्या साधु संतों का राजनीति से वास्ता होना चाहिए? तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले संत महात्माओं को इतनी इज्जत दी जाती थी कि जितने भी चाहे राजा हों महाराजा हों, खुद उनके दरबार में जाके उनसे सलाह लेते थे और उनकी अव्यवस्थाओं को पूछते थे और उसका निदान भी करते थे। पर आज की जो वर्तमान में कलयुग की राजनीति है, इसमें राजनेता लोग इतने अहंकारी हो गए हैं कि संत महात्माओं को पूछते ही नहीं। भाजपा इसका उदाहरण है, कुछ बदुआ संतों को छोड़कर, जिसमें बड़े बड़े संत राजनीति में हैं, भाजपा में हैं, उमा भारती हैं, साध्वी रितंभरा जी हैं, साक्षी महाराज हैं, निरंजन ज्योति हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, या फिर वर्तमान में भाजपा से प्रत्याशी लोकसभा भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी हैं। तो ये सारे के सारे लोग तो भाजपा के एक बंधुआ के रूप में हैं। इसके अलावा संत समाज का बहुत बड़ा जत्था है, बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं जिनकी भाजपा हमेशा अनदेखी करती है, उनको यूज करती है, बड़े बड़े धर्म संसद में इन महात्माओं को बिठाती भी है, लेकिन करती अपनी है, बोलती अपनी है और संतों का नाम बताती है कि संतों ने ये निर्णय दिया, संतों ने ये आशीर्वाद दिया, जबकि ये गलत है। तो इन सब बातों को जैसे जैसे संत महात्मा जान रहे हैं कि भाजपा संतों को यूज कर रही है, तो वो जत्था संतों का भाजपा से टूट रहा है। और आज कांग्रेस के मीटिंगों में, कांग्रेस पार्टी में, तमाम संगठनों के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस ने ये पूरी तरह मान लिया कि हम बिना संत महात्माओं की मदद के, बिना संत महात्माओं के हिंदू वोटों को अपनी ओर नहीं ले सकते, तो इसलिए संत महात्माओं को सम्मान दे रहे हैं, चाहे वो राजा साहब हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे कोई हो। नहीं तो ये भी एक तरह से संतों का यूज करना नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि उसकी छवि तुष्टिकरण वाली हो गई है, उसकी छवि एंटी हिंदू वाली हो गई है, तो इसलिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर आई। और इसके लिए क्या बीजेपी ने उसको मजबूर नहीं किया? कांग्रेस को भी आज संतों से फायदा हो रहा है, पर साथ में सम्मान दे रही है इसलिए प्लस हो रहा है, और भाजपा में संत महात्माओं का अपमान किया जा रहा है। मैं इसका खुद उदाहरण हूँ। पिछली विधानसभा में यहाँ पर मैंने भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेताओं से बात किया, राकेश सिंह है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं, पिछली विधानसभा चुनाव से पहले। अच्छा। तो इन लोगों ने मेरी बात को अनसुनी किया। मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों की मदद करूँगा, लेकिन ये लोगों ने हाँ 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 करते समय बिता दिया, इसलिए ये बात मुझे बुरी लगी। तो मैंने खुद राजा साहब से संपर्क किया, मैंने कहा इनका अभिमान खत्म करना जरूरी है, इसलिए मैं कांग्रेस में आता हूँ, कांग्रेस में काम करूंगा। पर आते थोड़ा सा, यहाँ क्या दिग्विजय सिंह जी के लिए प्रचार करने आए या फिर कांग्रेस के लिए? हम देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी और मैं विशेष करके उन्हीं के लिए प्रचार करने आया हूँ, मैं कांग्रेस का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जी के बहुत सारे बयान ऐसे भी रहते हैं जो हिंदुओं और आम जनता को बुरा लगता है, लेकिन वर्तमान में मैं आया हूँ, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा संख्या में, जितना बुरा मानने वाले उससे दो गुना संख्या में आज ये दिग्विजय सिंह जी को लोग मानने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मेरा प्राथमिकता जातिवाद पर नहीं है, मेरा प्राथमिकता धर्म के आधार पर वोट मांगना नहीं है, मेरी प्राथमिकता है विकास, इसलिए विकास की नीति पर मैं चल रहा हूँ। लोग कुछ भी कहें, बदनाम करने के तो हजारों रास्ते होते हैं। नहीं, तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं और दिग्विजय जी कहते हैं कि हिंदुत्व शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, वो क्यों बोलते हैं। जब चुनाव आता है, एक नेता चुनाव लड़ता है, तो नेता को अपने वोट दिखाई पड़ते हैं, किस भाषा से, क्या बोलने से हमारे लिए वोट मिलेंगे। अब वो इसका जवाब तो वही देंगे, लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ कि राजा साहब की धार्मिकता, और लोग दिखावा करते हैं, राजा साहब की धार्मिकता दिखावा में नहीं है, छिपी हुई है। और जैसे कि साध्वी जी या भाजपा के कोई भी राष्ट्रीय नेता यहाँ भोपाल में आते हैं,
और स्वाभाविक ही है, आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रमाणिकता आप देखिए। राजा साहब एकादशी का व्रत करते हैं, जो एक वैष्णवों का महत्वपूर्ण व्रत है, जो उनको हिंदू विरोधी होने का लोग कहते हैं। फिर बयान क्यों देते हैं? आप धर्म खूब कर रहे हैं, आपके मंदिर भी है राघोगढ़ में दुर्गा जी का, आप उपवास भी रखते हैं, लेकिन फिर आप ये क्यों कहते हैं, हिंदू आतंकवाद की बात क्यों करते हैं? देखिए, अगर हिंदू आतंकवाद की बात आपने छेड़ी है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये बात दिग्विजय सिंह जी ने नहीं बोली थी, ये बात आर के सिंह जी ने बोली थी। उसको आगे क्यों बढ़ाया? वहीं विरोध किया जाना चाहिए था। अब विरोध तो राजा साहब की ये सहनशीलता है, ये राजा साहब की अपनी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है तो बड़ी शांतिपूर्वक उसका जवाब दें। उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं से इतना भी बोल दिया है कि हम साध्वी के खिलाफ कोई कमेंटमेंट नहीं करेंगे, कोई कार्यकर्ता कमेंटमेंट नहीं करेगा, साध्वी जो भी बोलेंगे उसका जवाब जनता देगी। राजा साहब की दूसरी बात यह है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में एक तरफा चल रहा है हिंदू कार्ड, है ना, भगवाकरण, तो राजा साहब ने ये देखा कि ये लोग केवल हिंदूवादी बातों को बोलकर, उत्तेजना वाली बातों को बोलकर, जिससे भोपाल का माहौल ख़राब हो, ऐसी बातें बोल रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो राजा साहब ने अपने मंच से भी कहा, हमसे भी कहा, आचार्य जी हमारे लिए आप धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांगिएगा, हम विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, हम उसी पर वोट। लेकिन आपने तो साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ खूब बोला। मैंने साध्वी प्रज्ञा जी के खिलाफ इसलिए बोला क्योंकि साध्वी प्रज्ञा जी के साथ मेरे लिए साध्वी प्रज्ञा जी के प्रति सहानुभूति है, एक महिला होने के नाते। वो 9 साल जेल में काटी इसलिए भी, उनको टॉर्चर किया इसलिए भी, मेरी उनके लिए सहानुभूति है। लेकिन जब उन्होंने टिकट मिलने के बाद उन्होंने केवल एक ही बात बोली कि हमारे लिए हिंदूवादिता प्रमुख है। भोपाल ऐसी जगह है जहाँ पर गंगा यमुना तहजीब से हिंदू मुसलमान मिलकर के रहते हैं। अगर यहाँ पे कदापि कोई दंगा होता है, हिंदुओं को साध्वी जी भड़का दें, मुसलमानों को दिग्विजय सिंह जी भड़का दें, तो यहाँ पर बहुत पहले एक घटना घटी थी, उसको आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। तो मुझे ये बुरा लगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए अपने साथ लेने की बात करती है, मुस्लिम मंच बनाया बाकायदा भाजपा ने, जिसके आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हर जिला में आपने मुस्लिम मंच तैयार किया, मुस्लिम जिला अध्यक्ष, जब आप मुसलमानों को साथ लेकर के चल रहे हैं, एक बार भी भाजपा के किसी बड़े नेता ने साध्वी को यह नहीं कहा मुसलमानों के खिलाफ आप क्यों बोल रही हैं। ये एक जाकिर नायक हैं, आतंकी घोषित हो चुके हैं, श्रीलंका में उनके टीवी पर संगठन पर बैन लगा दिया, अब उनके गले मिले थे दिग्विजय सिंह, उनको शांति का दूत बताया था, फिर ये थ्योरी दोनों आपको नहीं लगता कि बड़ी मुश्किल में फंस जाते दिग्विजय जी, या उनके जो पुराने बयान हैं या जो पुराने उनके स्टेटमेंट हैं या जो पुरानी तस्वीरें हैं वो आज उनको बड़ा परेशान करती हैं? हाँ, ये मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे, लोगों ने बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, लेकिन ये जब वो आतंकवादी साबित नहीं हुए थे, जब इतने फेमस नहीं होते कि भारत विरोधी हैं, उस समय वो कभी मिले होंगे, बहुत पुराना फोटो है, वो मुझे भी जानकारी, मैंने पूछा भी। तो जब कोई व्यक्ति, अब कांग्रेस में तो एक नहीं ना जाने कितने मुसलमान नेताओं से लोग मिलते आए, भाजपा में भी मिलते हैं, हम आज किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, जाकिर नाइक से वो कभी मिले, वो फोटो भाजपा वाले या कोई भी उसको शेयर कर रहे हैं, तो उस समय वो आतंकवादी घोषित नहीं थे कदापि, वो बाद में किस कारण से कैसे आतंकवादी बने, कैसे घोषित किया गया, तब आज वो फोटो डाला जा रहा है। तो इसलिए मैं ये आज के ताजी खबर कोई बताइए आप जिसमें जाकिर नाइक से मिल रहे हो, तो हम समझते हैं कि ये गलत है, उसको गलत कह सकते हैं, वो पुरानी तस्वीर है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, वो देखिए हिंदुत्व की बात फिर हम थोड़ा सा लौटते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ। कांग्रेस को केवल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हिंदू बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कांग्रेस से? जी बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं। तो क्या मंदिर जाने से हिंदू खुश हो जाएगा? नहीं, मेरी बात जो आपने शुरू किया है सॉफ्ट हिंदुत्व के बारे में आपने कहा, तो मैं ये जानता हूँ कि कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने हमेशा हिंदू विरोधी बयान दिए हैं, हिंदू नाराज है 100%, ये बताने की बात नहीं है, कांग्रेसी नेता भी जानते हैं, और हिंदुत्व के बिना कोई भी नेता जीत नहीं पाएगा, हिंदू बड़ी संख्या में वोट हैं, तो सबको साथ लेकर सबको मिलाकर के चलने की नीति ये कांग्रेस को करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए ये हिंदूवादी कार्य कर रहे, मंदिरों में जाना और भी गुरुद्वारे पे जाना, जैन मुनियों से मिलना और मस्जिदों में जाना,
जब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई की नीति को लेकर के चलेगा तो सबके यहाँ जाना पड़ेगा। अब उसमें ये केवल आरोप लगाया जाए कि हिंदुओं को खुश करने के लिए, तो बात जायज भी है और ऐसा करना भी पड़ेगा। 18 नवंबर 2018 को आपने एक बयान दिया कि राहुल गांधी दिखावे के लिए मंदिर मंदिर जा रहे हैं, इससे वो हिंदू नहीं बन जाएंगे, तो क्या आज भी अपनी उस बात पर कायम है आप? देखिए, मैंने जो बयान दिया था वो उन्होंने पूछा था मुझसे, तो मैंने कहा कि बात सही, अगर राहुल गांधी एक दिन मस्जिद में जाते हैं, एक दिन मंदिर में जाते हैं, या मंदिर में जाकर के उस बात को वो पुष्ट करना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो फिर हमेशा चलना पड़ेगा। हम संतों की दृष्टि में एक दिन मंदिर जाने वाले को हम मंदिरवादी या मंदिर के प्रति आस्था वाला नहीं कहते हैं। मैंने कहा था कि ये दिखावा है, आप हमेशा जाइए, मेरा ये कहना था, जिसको मीडिया ने केवल ये कहा कि राहुल गांधी का मंदिर मंदिर जाना दिखावा है। मैंने ये कहा था, ज़रूर कहा था कि भाई हमेशा जाइए और हिंदुत्व की बात को, हिंदू धारा को आप अपनाइए, हिंदुओं को वोट आपको बड़ी संख्या में मिलते हैं और आगे भी मिलेंगे, जैसे भाजपा को मिलेंगे। तो राहुल गांधी को अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए, मैं डर के नहीं बोल रहा, आज भी बोल रहा हूँ। आप एक तरफ ये बोलते हैं कि हम हिंदूवादी से कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो मान्य नहीं रह जाता। मेरा आज भी आपके चैनल के माध्यम से मेरा कहना है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक बात पहुँचती है तो हिंदुत्व को आप दिल से अपनाएं और हिंदुओं को अपनाएं, आपकी विजय अवश्य होगी। केवल एक दिन मंदिर जाने से कोई नहीं, कोई बात होने वाली नहीं है। लेकिन इतना तो आप भी मानते हैं ना कि नेता सिर्फ किसी भी पार्टी के हो, दोनों ही पार्टी के, हम तो कहते हैं कि चाहे वो कोई भी राजनेता हो, वो केवल चुनाव के वक्त मंदिर जाते हैं, उसके बाद कोई ना उनसे पूछने जाता है ना वो किसी कैमरे को लेकर मंदिर जाते हैं। इस स्वाभाविक है, देखिए चुनाव में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चुनाव में वोट की ज़रूरत पड़ती है। वोट के बाद तो राजनेता कोई भी हो, बड़े बड़े राजनेता ना मंदिर में दिखाई पड़ेंगे ना जनता के बीच में दिखाई पड़ेंगे। जो वास्तविक नेता जमीन से जुड़ा होगा वो चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में घूमने का जाएगा, अपने कार्यालय पर जनता की सुनेगा। बात तो सही है, राजनेता लोग बाद में कहाँ मंदिर दिखाई पड़ते हैं। अच्छा दिग्विजय जी राजगढ़ से हैं, तो ऐसे में भोपाल अगर चुनाव जीतते हैं तो भोपाल के लिए आप, चूंकि आप उनके साथ में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी सभाएं देख रहे हैं आप, क्या उनके मन में है भोपाल को लेकर? नहीं देखिए, उन्होंने एक व्यवस्था रखी है, अगर वो जीतते हैं, वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि जीतने की पूरी उम्मीद है, इस बार भोपाल को कांग्रेस से एक अच्छे मजबूत प्रत्याशी और कुछ करने की उम्मीद को लेकर के लोग उनको चाह भी रहे हैं, तो जैसा उन्होंने कहा है हम वही बोलेंगे। हम राजा साहब पे दबाव नहीं डाल सकते, आप यहीं रहकर समय बिताइए और लोगों की सुनिए। वो एक बड़े नेता है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको हर जगह जाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरे दरबार में कोई भी आएगा, अपने प्रतिनिधियों से बोला कोई भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं ना मिलूं तो मेरे बेटे जयवर्धन जी कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास जाइए आप, ये आपका काम करेंगे, नहीं कोई सुनेगा तो मैं भी हफ्ता दो हफ्ता में भोपाल में एक दो दिन चार दिन के लिए जो मेरा समय होगा मैं दूंगा, उस समय मैं सारी शिकायतों का समन्वय करते हुए निपटारा करूंगा। अच्छा, पिछला चुनाव आलोक संजर करीब 3.5 लाख वोटों से जीते थे अंतर से, तो वैसे में आपको क्या लगता है दिग्विजय जी कैसे वो अंतर पाट पाएंगे? यहाँ पर जो आज राजा साहब की जीत की उम्मीद हम लगाए इसलिए लगाए, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस के सांसद भी होंगे तो विकास निधि बड़े स्तर पर मजबूती से गांव-गांव तक पहुंचाने का काम राजा साहब करेंगे, ये उम्मीद है लोगों को। मैंने क्षेत्र में भ्रमण किया है, जिस विधानसभा में यहाँ पर भाजपा के लोग नहीं देखते थे, कार्यकर्ता नहीं देखते थे, आज यह हाल है कि भाजपा के 100-100, 200-200 कार्यकर्ता एक एक मंच पर राजा साहब को समर्थन दे रहा है, उसका कारण उम्मीद है राजा साहब से। और वैसे भी राजा साहब ने कहा हारना जीतना एक अलग बात है, मैं वैसे भी राज्यसभा सांसद हूँ, इस लोकसभा के जो भी लोग क्षेत्र के लोग मेरे पास आएंगे मैं वैसे भी इतना सक्षम हूँ कि लोगों की मदद कर सकूँ। अच्छा, साध्वी प्रज्ञा को आप संत मानते हैं नहीं? अब जैसे हमारे ऊपर कोई आरोप लगाता है, हमसे लोग कहते हैं कि आप संत होकर के राजनीति कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, हमको लोग कहते हैं कि आप संत नहीं हैं, तो हम उसका एक प्रमाण दे देते हैं कि हम इस अखाड़े से हैं, ये फोटो है, सर्टिफिकेट है, प्रमाण है, कौन से सन में, हमारे गुरु कौन है, ये हमारे गुरु हमारे बारे में देंगे कि हमारे शिष्य हैं, इनको हमने संत बनाया, विरक्त दीक्षा दी है। तो उसी प्रकार ये साध्वी को भी तो प्रमाणित करना होगा, साध्वी जी को जो लोग संत कहते हैं, तो पहली बात देखो हमारे यहाँ पंच संस्कार होते हैं जिसमें जनेऊ, कंठी, चोटी और आदि लंगोटी आदि, तो उसमें नामकरण भी होता है, हमारा नामकरण हुआ, हमको नाम दिया, जैसे हम बैरागियों में दास है, शरण है, ये सब लगाए जाते हैं, सन्यासी हैं वो अपने आप को बताते हैं, तो सन्यासियों में नंद गिरी हैं, सरस्वती हैं, कोई भी नाम।
अगर कोई व्यक्ति अपने गृहस्थी का घर का नाम अपने नाम के साथ लगाया है और ये चोला भगवा उड़ा है, तो वो गृहस्थी नाम देने का मतलब वो ग्रस्त है। पहली बात तो वह यहाँ पर वो संत नहीं कहलाएंगे, वो ग्रस्त कहलाएंगे। दूसरी बात, उनके गुरु जी ने, मेरी बात हुई थी जब इनको टिकट नहीं मिला था रामनवमी पर, तो मैंने कहा आपके गुरु आपको जब स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि वो बम ब्लास्ट में जेल चले गए, आप उनकी मदद करिए, तो उनके गुरु जी ने कहा, अवधेशानंद गिरी जी ने कहा, वो मेरी शिष्य नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मंत्र लेते हैं भगवा पहन के चले, मैं नहीं पहचानता, इस तरह से मैंने कहा। तो उन्होंने सफाई दी कि गुरु जी ने मेरी जमानत की बात की थी, वो किसी की नज़र में नहीं आया, एक बात यहाँ। दूसरी बात, गृहस्थी नाम उनको हटा देना चाहिए, जो भी है नंदगिरी जो सरस्वती अपना नाम लगाना चाहिए। तीसरी बात, ये जो बाल है ना, बाल हम लोगों की पहचान है, इनको हम शिखा कहते हैं, पंचकेश कहते हैं। साध्वी जी हिप्पी कटिंग क्यों रखती हैं, आप प्रश्न उनसे करिएगा। मैंने इस तरह से प्रश्न नहीं किया था क्योंकि दोबारा मुलाकात नहीं हुई, मैंने सोचा मुझे क्या लेना देना, ये तो कोई प्रत्याशी है नहीं, लेकिन एक हफ्ते बाद वो प्रत्याशी, ये हिप्पी कटिंग बाल मेरी समझ में नहीं है। देखो, या तो हम लोग भद्र होंगे या फिर इस तरह पंचकेश रखेंगे। तो साध्वी संत होने के इनके दो तीन ऐसे प्रमाण हैं जिससे वो साबित नहीं हो रही हैं, साबित करें हमको क्या, लेकिन हम बहुत सारे संत हैं, हम उनको भी स्वीकार कर लेंगे, और को स्वीकार किया उनको भी स्वीकार कर लेंगे, फिलहाल तो मैं उनको संत नहीं मानता। एक ध्रुवीकरण की बीजेपी ने कोशिश की थी साध्वी प्रज्ञा को उतार करके, कि इसका असर बाकी सीटों पर भी जाएगा, देश में पड़ेगा, तो इसका क्या असर आप देखते, इससे नुकसान नहीं होगा कांग्रेस का? नहीं, देखिए उन्होंने जो नीति चली है, और हिंदू बाध्यता की बातें करते 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 वो अंत में यही पहुंची कि सारे हिंदुओं के वोट मुझे मिल जाएं। वो ये बात जानती हैं कि मुस्लिम समाज का वोट टोटल कांग्रेस में जाता, भाजपा को मिलता नहीं, तो जब मिलता ही नहीं तो कांग्रेस के मुसलमानों से वोट लेने की इच्छा ही क्यों रख। इसलिए उन्होंने शुरू से ही ध्रुवीकरण किया, हिंदुवादी और भगवा का पूरा उपयोग किया है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस प्रकार की राजनीति जो भाजपा कहती है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे, सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर ये बहुत बड़ा कलंक है। केवल एक समाज की बात वो करती हैं, हम संत हैं, संतों को हमारी दृष्टि में सब समान होना चाहिए। दूसरी बात, बुरा प्रभाव पड़ रहा है आगे इस राजनीति में, अगर कहीं साध्वी जीतती हैं तो साध्वी जी की जीतने के बाद ये राजनीति हिंदूवादित की ओर चली जाएगी। यही सीताराम येचुरी आए दिग्विजय जी के प्रचार के लिए, अब क्या बोल के गए वो कि हिंदू भी हिंसक होता है, रामायण और महाभारत हिंसा से भरी हुई है, अब इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए एक बात कही गई है, ऐसा दिग्विजय सिंह जी ने उनसे नहीं कहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वयं में मीडिया में हाईलाइट होने के लिए वो इस तरह ऐसे के लोगों को क्यों बुलाना पड़ा दिग्विजय जी को? अब देखिए, चूंकि कांग्रेस में यदि कोई नेता है, लीडर है, और ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक ही है। नहीं, सीताराम येचुरी वामपंथी दलों से आते हैं जी, कांग्रेस के नहीं है वो, अब वो आए दिग्विजय के प्रचार के लिए। देखिए इस विषय पर मेरी दिग्विजय सिंह से बात नहीं, हो सकता है उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रचार करने के लिए आ रहा हूं, ठीक है आए, लेकिन जो ऐसी बातें कहते हैं नेता, इन्होंने कहा मैं गलत मानता हूं, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए, इससे वोटों पर फर्क पड़ता है, दुष्प्रचार होता है। नहीं, वोटों की आपको बड़ी चिंता आचार्य जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, दिग्विजय जी करेंगे चिंता, आप हिंदू धर्म की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह से प्रश्न जोड़ा ना कि दिग्विजय सिंह, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अगर हिंदू धर्म के लिए कोई इतना कह रहा है तो साधु होने के नाते क्या आप बोला उस पर आक्रोश नहीं आना चाहिए? तो हिंदू धर्म के नाते मैं उनका विरोध करता हूँ, उनको नहीं बोलना चाहिए, जहाँ कहिए मैं उनका विरोध करने को तैयार हूँ, वो ऐसा बोलने वाले होते कौन है, ये हम बिल्कुल कहते हैं आप। लेकिन इस तरह के विरोध कांग्रेस नेताओं की तरफ से नहीं हुआ ना? देखो कांग्रेस का अपना, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं व्यक्तिगत राजा साहब के प्रचार में आया हूँ, उनसे मेरे व्यक्तिगत कुछ मायने में अच्छे संबंध हैं, और उन्होंने जो कहा है वो मैंने उसको देखा भी, तब मैं उनको मानता हूँ, इसलिए व्यक्तिगत प्रचार करने आया, पार्टी की तरफ से मैं प्रचार कर नहीं रहा हूँ, आप इस लोकसभा के अलावा मुझे कहीं नहीं देखे होंगे। साधु संत को आपने कहा कि बीजेपी ने बंधुआ जैसा बना रखा था कुछ संतों को, तो कांग्रेस भी क्या कठपुतली नहीं बना लेगी आने वाले दिनों में? जो रोड शो कर रहे हैं साधु संत, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हम जैसे देखिए, हम भाजपा के अनुकूल नहीं चल रहे हैं, भाजपा जिस प्रकार संतों का अपमान करती है, हम कांग्रेस के लोगों से मिले उनके प्रचार कर रहे हैं, हमको ये लगे कांग्रेस में संतों का अपमान हो रहा है, कांग्रेस संतों के खिलाफ है, तो हम इसका भी विरोध करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम आ गए तो हमेशा के लिए। लेकिन साधु संतों को क्या कांग्रेस का झंडा लेके रोड शो करना चाहिए? अब जो रोड शो किया है वो सारे संत मेरे पीछे नहीं थे, मैंने उनको बुलाया नहीं था, इसका जवाब कंप्यूटर बाबा देंगे, उन्होंने बुलाया था, कैसे बुलाया, क्यों बुलाया, इसका जवाब वो देंगे। कंप्यूटर बाबा को आप क्या मानते हैं? कंप्यूटर बाबा देखिए वो हमारे दिगंबर अखाड़े से हैं, और उन्होंने विरक्त दीक्षा ली है, और महामंडलेश्वर भी रहे,
विरक्त दीक्षा ली, इसके बाद राज्य मंत्री का पद उन्होंने बीजेपी में 6 महीने उसका सुख भोगा, अब वो कांग्रेस की तरफ आ गए हैं। इससे क्या साधु संतों पर सवाल नहीं उठने लगते हैं कि भाई आप सन्यासी हैं, आपको मोक्ष की कामना करना चाहिए, आप क्यों किसी की जीत की हार की कामना कर रहे हैं? नहीं, आपका बात कहना ठीक है, कांग्रेस में कंप्यूटर वावा हैं तो इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है भाजपा में इतने बड़े बड़े संत जो कई केंद्रीय मिनिस्टर हैं और उन लोगों को आप संत ही नहीं मान रहे हैं, और उनके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो अगर उनको संत नहीं माना जा रहा तो इनको भी संत नहीं मानेंगे। हम कोई मोहर नहीं लगा रहे हैं कंप्यूटर बाबा को कोई संत बोले, हम उनका विरोध करते हैं तो कंप्यूटर बाबा का भी विरोध होगा, स्वाभाविक ही है। तो फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी संत कहीं पे जुड़ा है, अगर वो अच्छा काम कर ले जा रहा है क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, मठ मंदिर के लिए, गाय के लिए, माता बहन बेटी के लिए, कोई अच्छा काम कर ले रहा है, तो राज्य मंत्री एक छोटी बात है। इससे बड़े पद पहले संत महात्माओं को, बड़े बड़े राजा अपने सिंहासन के पास में आसन लगवाते थे और उनसे पूछते थे धर्म की नीति, धर्म के बारे में पूछते थे, लेकिन आजकल वो हो नहीं रहा है। फिर भी संत कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा काम हो, इसके लिए प्रयास करते हैं, कोई बात नहीं है। मुझे भी मंत्री पद मिलेगा तो मैं भी ले लूँगा। भाई हमारा उद्देश्य है लोगों की, जनता की बात को नेता तक, राजा तक, आजकल राजा ही नेता है, वहाँ तक पहुँचाना। जब लोगों की समस्याओं का निदान नहीं होता तो लोग संत महात्मा के पास आते हैं कि महात्मा के कारण हमारा काम हो। लेकिन इससे आचार्य जी आपको नहीं लगता कि जो सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी छवि है उसको धक्का पहुँचता है? नहीं, सनातन धर्म को छवि, भाई सनातन धर्म के आप प्रचारक हैं, आप उस चीज को संभाले हुए हैं, अगर आप संत ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो फिर हिंदू जो है वो किस पर भरोसा करेगा? कुछ लोगों को जो राजनीति से इंटरेस्ट रखते हैं, वो नेता सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और भी पद हैं, तो ऐसा नहीं है कि इतने संतों के राजनीति में आ जाने से पूरा धर्म ही समाप्त हो जाएगा या और संतों ने भजन पूजन पाठ यज्ञ जप तप करना छोड़ दिया। वो संख्या बहुत कई लाखों की संख्या में है, तो कुछ राजनीतिक संत हैं, बाकी संत तो भजन कर ही रहे हैं, और राजनीतिक जो संत हैं वो भी चुनाव चुनाव के समय सामने आते हैं, बाकी अपना यज्ञ जप तप पूजा पाठ तो आज भी नहीं छोड़ा है, हम भी चुनाव के बाद अपना पूजन पाठ करेंगे। तो ये जो परंपरा है, हम लोगों का नियम अलग ही होता है, राजनेता शुरू से ही राजनीति में लिप्त रहता है, हम लोग समय के अनुसार राजनीति करते हैं, उसके बाद अपना धर्म कर्म हम लोग नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमारा सनातन धर्म नष्ट कैसे होगा? हम नष्ट हो सकते हैं, धर्म नष्ट नहीं होगा, धर्म को नष्ट करने वाले आज इस दुनिया में नहीं है। तो सनातन धर्म अपने आप में एक ऐसी शक्ति है, सनातन धर्म जो स्वयं भगवान का ही रूप समझिए, उसको नाश करने के लिए, पतन करने के लिए बहुत सारे राजा लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आज धर्म वहीं का वहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई धर्म कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, जैसे कोई सूरज के ऊपर थूके या धूल फेंके सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है ऐसा धर्म है, क्योंकि इसमें जप तप योग शक्ति समाई हुई है, इसलिए उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। हम या कोई छोटे मोटे साधु महात्मा मंडलेश्वर कहीं भी राजनीति में जाके सोचें कि उसको नष्ट करें, वो सब चल। आपने कहा कि सांसद दिग्विजय जी को बनना चाहिए, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो देखो, मैं तो अपना एक सीट पर प्रचार करने आया हूँ, और प्रधानमंत्री की बात आती है, इसका फैसला ना तो मैं कर सकता हूँ ना कोई बड़ा नेता कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी भी ये चाहें कि मैं प्रधानमंत्री खुद ही बन जाऊँगा तो ये संभव नहीं है, मेरे चाहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये जनता इसका जवाब देगी, और 23 तारीख को उसका रिजल्ट भी खुलेगा। मोदी जी की अच्छाइयों के लिए हमने भी वक्तव्य दिए थे 2013 में कि मोदी एक सफल प्रधानमंत्री साबित होंगे, मेरे पास मेरा स्टेटमेंट फोटो शायद अमर उजाला में वृंदावन में छपा। साढ़े चार वर्ष तक आते आते मैंने ये देखा कि विकास की नीति को छोड़ करके जातिवाद पर उतर आए हैं, और जो इन्होंने वादे किए उन वादों को भुलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी उदाहरण देख लीजिए, 1 लाख रुपए का एक काम करेंगे लेकिन करोड़ों रुपए की उपलब्धि दिखाएंगे, तो इन लोगों के काम जो ऐसे है ना, इससे हम ये एहसास कर चुके हैं, अब मजबूरी में जिसको अच्छा, सवर्णों को 10% उन्होंने गरीब सवर्णों को आरक्षण की व्यवस्था की, तो ये तो एक लोभ हो गया ना। जब SC ST अध्यादेश पर नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, पुनः लागू किया, अनाप शनाप वक्तव्य इन्होंने दिए जो नहीं देना चाहिए कि सवर्ण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई माइकल लालो हमका 19 का चुनाव हरा के दिखाए, तो इनको फिर क्या जरूरत पड़ गई कि इन्होंने 10% आ रहा, उसके लिए इतने बड़े आंदोलन हुए। आपको 6 सितंबर
मालूम है, भारत बंद हुआ सवर्ण समाज की तरफ से। दूसरे दिन ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के स्टेटमेंट थे, इस भारत बंदी से हम पर कोई असर नहीं पड़ता है, हम चुनाव जीत के दिखाएं, कोई माइक लाल और रोक के दिखाए। पांच राज्य में आपकी हार हुई, आप माइक लाल कैसे माइक लाल थे कि आपको थूक के चाटना पड़ा? आपने ये कहा था कि सवर्ण समाज से हमारा कुछ नहीं, पांच राज्य के चुनाव की हार इनको मजबूर कर दी कि सवर्ण समाज भी कुछ है, इसलिए मजबूर होकर मोदी जी ने उस समय 10% आरक्षण दिया जब सवर्ण समाज मांग ही नहीं कर रहा था। उसका कारण क्या था? 19 का चुनाव उनको संभालना है, वो जान गए कि सवर्ण जितनी भी संख्या में है हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये किया। तो ये भी एक धोखा है, लोगों को लोभ दिया, उसमें कोई उससे फायदा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आगे चुनाव कांग्रेस में जाने का विचार है, सदस्यता लेंगे? कांग्रेस के लिए मैं काम करूंगा, क्योंकि इन लोगों का अभिमान इतना सर पे चढ़ गया है कि अपने आगे किसी को नहीं समझते, नरेंद्र मोदी को भगवान समझते हैं और बाकी सारे नेता अपने को इंद्र आदि देवता समझते हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अगर ऐसी नीति रही तो भाजपा का हम कभी भी ना तो सदस्यता लेंगे, ना कभी जीवन में प्रचार ही करेंगे, चाहे हम कांग्रेस। चलिए आखिरी सवाल, कोर्ट अगर राम मंदिर पर आपके हिसाब से फैसला नहीं ले पाए, या आपका क्या सोच है, क्या वहां पर समाधान होना चाहिए? एक तो ये कि मन में आपके क्या है, और दूसरा अगर वैसा नहीं हुआ कोर्ट से तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड हो? हम देखिए पहले से भी कहते चले आ रहे हैं, राम मंदिर का जितना जल्दी फैसला हो जाए वो देश हित में है। राम मंदिर की सुरक्षा के नाते वहाँ पर 125 करोड़ रुपए रोज का खर्च केवल उस सुरक्षा पे है। 125 करोड़ रुपया अगर राम मंदिर बन जाएगा तो वो बचेगा, देश की जनता के काम आएगा, तो इसलिए सबसे पहला राम। दूसरी बात, जितना समय तक राम मंदिर नहीं बनेगा, हिंदू और मुसलमानों एक दूसरे में बेमानसता बढ़ती रहेगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आने वाले 10 सालों में एक दूसरे को मारने की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो अभी संभव दिखने लगी है। इसलिए भी राम मंदिर का बन जाना चाहिए। हम ये कहते हैं कि राम मंदिर बनाने से भाजपा का बिगड़ता क्या है? आप 400 करोड़ रुपये का भाजपा का कार्यालय नया बना सकते हैं, आप 32,000-32,000 करोड़ की एक मूर्ति गुजरात में सरदार पटेल की खड़ी कर सकते हैं, तो राम मंदिर बनाने में आपको कौन सी शर्म? लेकिन वो कह रहे हैं कोर्ट में मामला, तो फिर कैसे हम कैसे पहल कर सकते? कौन रहा है? कोर्ट ने जो आदेश दिया कि बिना जांच के किसी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, मोदी माने क्या? ठीक है, कोर्ट ने कब कहा था कि आप 3 तलाक पे अध्यादेश लाइए? कोर्ट को नरेंद्र मोदी या भाजपा हमेशा कोई मान रहे? जब कोर्ट को आप मान ही नहीं रहे तो कोर्ट का नाम बार बार क्यों लेते हैं कि हम राम मंदिर के लिए कोर्ट का इंतजार करेंगे? ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। मैं अगर कोई औजार हथियार बनाना जानता हूँ तो मैं किसी दूसरे दुकान वाले के पास नहीं जाऊँगा कि मैं ये बनाऊँ कि ना बनाऊँ, मैं जानता हूँ मेरे पास, तो जो शक्ति आपके पास है आप उसका उपयोग करिए और एक शांति व्यवस्था। चलिए छोटी सी बात और, जो भोपाल में बीजेपी ने कहा कि धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, किसकी जीत होगी इस धर्म युद्ध में? धर्म युद्ध, अगर धर्म युद्ध की बात करते हैं, इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ धर्म होगा वहाँ जीत होगी। यथा धर्म तथा जयो, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही गीता में कहा है। अब कौन बड़ा धर्मात्मा है, जनता किसको धर्मात्मा मानती है, ये कल के चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा, जिधर वोटिंग हो समझ लो कि वो धर्मात्मा। चलिए बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुना आपने कि आचार्य जो बापू जी हैं वो आए, उन्होंने चर्चा की और दिग्विजय सिंह जी के लिए लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रचारक नहीं है, लेकिन दिग्विजय जी के साथ उनके आप संबंध कह लीजिए, या फिर उन्हें लगता है कि वे हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे, और इसीलिए आचार्य मुरारी बापू जी जो हैं यहाँ पर प्रचार के लिए आए हैं, कई मुद्दों पर उनसे हमने बातचीत की। इस खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।